ये आवाम पर जुल्म नहीं है कि इतनी महंगी चीज़ें फरोख कर रहे हैं? आज से 4 साल पहले ना तकरीबन इमरान खान की जब हुकूमत नहीं थी, तो उससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जो हमारी सिटी थी ना सिंपल, वो 15,35,000 रुपये की थी सिंपल वाली, और जो फुल ऑप्शन वाली थी वो 17 लाख समथिंग की थी। अच्छा। अब वो जो सिटी है अब वो चली गई है 47 लाख समथिंग की, 50 लाख की, और स्विक का जो मॉडल है 1,02,00,000 का हो गया स्विक का। तो आप इधर से अंदाज़ा कर ले, सिर्फ 3 साल के गैप में तो 4 गुना इजाफा हो गया। और मेहरान जो थी वो 6,75,000 रुपये की मिल जाती थी गाड़ी, फुल एसी वाली VXR। अब वो मेहरान जो बंद हुई है लास्ट टाइम, वो 12 लाख रुपए की बंद हुई है, अब नहीं आ रही मेहरान, नहीं आ रही, उसकी जगह अल्टो ने ले ली। पुरानी जो गाड़ी है वो कितने की? 18 लाख तक मैं सुन रहा हूँ। अब वो 17 मॉडल की जो गाड़ी है वो 14 लाख समथिंग की है, 17-18 मॉडल की, अच्छी कंडीशन के हिसाब से 14-15 लाख रुपए के राउंड वर्ड में, यानी कि वो गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो गई। कंफर्ट है उसमें? कोई जिंदगी का, इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू है उस गाड़ी के अंदर बैठने? नहीं है, ना एयर बैग है उसमें, ना ABS ब्रेकें हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। ये जुल्म नहीं है हम पे? बहुत ज़्यादा सर। हम फिर प्राउड करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन प्राउड तो इंडियंस को करना चाहिए, जितनी कुछ सस्ती उनकी ज़िंदगी की हुई है उनकी हुकूमत ने। हम जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो अगर आज भी हम एक होते तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें सहूलियात हमें आज भी मिल जाती? नहीं, सहूलियात तो मिल जाती हैं, लेकिन देखें ना पाकिस्तान में, देखें हम एज ए मुस्लिम आज़ादाना माहौल में इबादत कर लेते हैं, समझते हैं, और हमें कोई रोक टोक नहीं है। अब वहाँ पर देखें मुसलमानों का क्या हाल है इंडिया में, इंडिया में अब कंपैरिजन करेंगे अगर उनकी प्राइजेस कम है, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान एक होता। सर इंडिया के जो लोग हैं ना, जो मुस्लिम हैं, वो पहले इंडिया ना, बाद में फिर कोई और चीज़ है। मैं आपको बताता चलूं, इंडिया के लोगों से मेरी बातचीत होती है, मुसलमानों से, वो कहते हैं कि भाई आप क्या बात कर रहे हो, हम यहाँ पर आप लोगों से ज़्यादा खुश हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तुमने इसलिए लिया था कि तुम खुशहाल रह सको, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सको, मजहबी आज़ादी हो तुम लोगों को, तुम लोग के यहाँ पर तो मारदार चल रही है, तुम लोग के पुलिस और आवाम के दरमियान लड़ाई है, एक दूसरे को मार रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई हमारे इधर तो खुशी है, हमें चीज़ें भी सस्ता, आटा भी सस्ता, ज़िंदगी के रहन सहन भी सस्ता। आप उनको किस तरह से जवाब देके चुप करवाएंगे, मुँह बंद करवा दें आज उनका? लेकिन बात उनकी नहीं है, वो ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स की जो पोजिशन है, आपने देखे हैं कि इंडिया में इतना माशाल्लाह नहीं लगा हमारे दौर में, देखें आप देखें सियासी दौर कम है सर। वो तो फिर कामयाब लोग हुए ना, कामयाब लोगों के दिमाग है उनकी तरफ, कामयाब लोगों का दिमाग नहीं है, हम एज ए मुस्लिम उनको कामयाब नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी के ऊपर जोर दिया, उन्होंने अपना तरक्की की, पैसे की वैल्यू बढ़ाई। आज से 15-20 साल पहले देख ले पाकिस्तान के पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मेरे जो बाऊजदाद भी है पुराने, वो वहाँ के रहने वाले हैं, तो यहाँ से वो 50,000 रुपये उस टाइम लेके जाते थे 20 साल पहले, तो वहाँ के वो जाके 1,25,000-1,50,000 रुपये बन जाता था। अब यहाँ की वैल्यू देख लें, उनकी पैसे की वैल्यू देख लें, अगर आप ऐसे कंपेयर करें ना पैसे की वैल्यू के हिसाब से, पाकिस्तान में जो 22 लाख रुपये की गाड़ी है ना, अगर इंडिया से कंपेरिजन करें ना, तो वो अगर पाकिस्तानी वैल्यू में जाएंगे ना, तो कोई 2-4-5 लाख रुपये का फ़र्क आएगा, हमारी इकोनॉमिक गिरी हुई है। सर हमारे 4 रुपये बनते हैं, उनके 1 रुपये, हमारे 4 रुपये हैं सर, इतना डी वैल्यू रुपये हो गया, इतना वो वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा इंडिया की, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है मैं उसको सामने रख कर बात कर रहा हूँ। सर एक मुल्क है जो 1947 में आज़ाद होता, और हमारी इकोनॉमी और GDP आप जिस मर्जी का हिसाब लगा लें, तब हम तकरीबन इक्वल थे, तब हम बराबरी में जा रहे थे, लेकिन उनको समझ आ गई जिस तरह से हम गुजार रहे हैं, ये रास्ता आगे जाकर रुक जाएगा। आप पाकिस्तान को पूरे को हिसाब लगा लें, हमारे पॉलिटिशियन ने पाकिस्तान के लिए किया क्या, हमने क्या किया एज ए कौम, एज ए नेशन? पहले तो ये बताएं हम कौम है पूरी एक। असल में हमारे ना तफरकाबाजी बहुत है, पार्टीबाजी बहुत है, हम ना जो जो बयानियाँ बना देगा ना, हम लोगों में शऊर थोड़ा सा कम हो गया, उसकी वजह ये कोई तालीम की भी कमी है, कुछ हम दीनी उससे भी दूर हो गए। सर यहीं आप पाकिस्तान में, अगर यहीं आप इंडिया में होते, जितने की आपने बाइक ली है उतने की सेकेंड हैंड गाड़ी आ जानी थी। एक बंदा आप बताएं कि पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, ज़िंदगी की आसाइशी चाहते हैं ना, जितनी आप कमा रहे हैं अगर आपको उसमें अच्छा गुजारा हो रहा होता आप अच्छी गाड़ी ले लेते ना, एक कौम से एक मुल्क से क्या चाहते हैं, यही तो चाहता है इंसान, तो क्या कहना चाहेंगे जो इंडिया में लोग हैं वो खुश हैं ज़्यादा हमसे? हम माने या ना माने पाकिस्तान इस टाइम डिफॉल्ट हो चुका है तकरीबन। आप ये देखिए आपका 1 लाख रुपया है ना, वो आपके पास 1 लाख रुपया नहीं है, वो 35,000 रुपये है, वो 35,000 रुपये है। अब हम लोगों की जो सैलरी है 25-30,000 रुपये लोग हैं, हम अपना माइंड बना के बैठे कि हमारी सैलरी 25-30,000 रुपये, वो 25-30,000 रुपये सैलरी नहीं है, नहीं है, लेकिन 6,000 रुपये वो हम मानने को तैयार ही नहीं है इस बात पे। आप किसी 30,000 वाले बंदे से पूछेंगे, वो कहेगा जी मैं 30,000 रुपये कमा रहा हूँ, लेकिन वो 30,000 नहीं है, मेरी जेब में 1 लाख रुपये वो 1 लाख रुपया नहीं है। अभी मैं बच्चों की शॉपिंग के लिए निकला हूँ, एक बात है,
अब 3,000 रुपये का 3,500 रुपये किस बच्ची का सूट है, मैं एक बात 3,000 3,500 रुपये का जो रेट है वो है, 1,000 रुपये की मुनासिब सी जो जूती है, मैं एक बात कर रहा हूँ, यानी कि एक बच्चे का एक सूट और एक जूती 5,000 रुपये में है। लेकिन अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँ, वो 5,000 रुपये नहीं है ना, वो 5,000 रुपये नहीं है। यही आज से 5 साल पहले पीछे चले जाएं, यही चीज़ आपको 300, 400, 500 रुपये मिल जाए, ऐसे ही है, 300, 350 रुपये में बेहतरीन मिलती थी। लेकिन ये 3-4 साल में क्राइसिस बहुत आ गया, इमरान खान के दौरे हुकूमत में ना क्राइसिस बहुत आ गया है, कुछ इकनॉमी गिर पड़ी, कुछ हमारे सियासी मसले नहीं हल हुए, और आज तक आप देख लें, आज तक देख लें आप, क्या हम किसी की तरफ खड़े नहीं हो रहे। सही हो गया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, चेन्नई से टॉक विद यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर, क्या करते हैं? डॉक्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? दिल का डॉक्टर। माशाल्लाह, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, ज़बरदस्त सर। सर बेसिकली सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रहे हैं, आप लोगों का तो दिल चेक करते ही हैं, आपके दिल की क्या सूरत हाल है मुल्क के हालात को देखते हुए? काफ़ी उदास सूरत हाल। अच्छा, कैसे ठीक किया जा सकता है? ऐसे ठीक किया जा सकता है कि जेन्युइन तरीके से जो भी इशूज़ हैं उनको हल किया जाए। सही होगा सर। सर बेसिकली ना आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, ये वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आप बताइएगा कि आप कैसा फील कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी। मुझे पता है ना, मैं उसी की तरफ जा रहा था, सब्र करेंगे आप काइंडली। सर ये ना एक इंडियन है, इंडियन लड़का जो पाकिस्तानी 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 जो ऑल्टो है उसके बारे में कोई अपनी राय दे रहा है, पाकिस्तानी गाड़ियों के बारे में। कैसे कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि इसमें जो बॉडी है इस गाड़ी की वो बहुत हल्की है, उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही थिन, उसकी जो बॉडी शीट है, इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स नहीं है। और बल्कि मैंने खुद भी बाय की है अभी कुछ अर्सा पहले, मैंने एक ऑल्टो खरीदी है, तो मुझे एहसास हुआ है कि ये गाड़ी नहीं बल्कि रिक्शा है। अच्छा, इतनी ख़राब बिल्ड क्वालिटी है? जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं इसके बरक्स आपको बताता चलूँ, इंडिया में जो सुजुकी मारुति कहा जाता है इसे, इस गाड़ी को इंडिया के खुद मैन्युफैक्चर किया जाता है, वो अपनी चीज़ों को देखते हैं कि वहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक से किस तरह से हल किया जाए, वो शीट मोटी होती है, गाड़ी की बॉडी अच्छी होती है, वो उस हिसाब से अपनी प्राइस बता रहे हैं। जो टॉप वेरियंट है इंडिया में जो सुजुकी मारुति का, वो 5 लाख के करीब है, और यहाँ पर वही गाड़ी अभी तो ये पुरानी डेट बता रहे हैं 28 लाख तक चली गई है टॉप वेरियंट। आप बताइएगा कि ये जुल्म नहीं है वहाँ पर? जी हमें ये चाहिए कि या तो इसकी कोई खुद मतलब कि मैं खुद भी ये चाह रहा था कि इसको जो जहाँ से ये ओरिजिन है इसका, सुजुकी का ओरिजिन तो जापान से है, तो इसको लोकेट किया जाए, इसकी पूरी ट्रेल ली जाए कि कहाँ पे इसकी ये जो कंपनी तक ये बात पहुँचाई जाए कि हमारे यहाँ इसकी ये सेलिंग हो रही है, इस तरीके से इसको आपकी जो प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी को चेंज करके बेचा जा रहा है। मेरा ख्याल है कि वो लोग इस चीज़ से, वो कंपनी वाले भी इस चीज़ से अवेयर नहीं है, उनको भी ये नहीं पता होगा कि यहाँ पे ऐसा होगा। वो तो पैसे देते थे होंगे, ये ले पाकिस्तान बनाओ। बिल्कुल, उनको लाइसेंस दे देते हैं, वो यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं और वो क्वालिटी पाकिस्तान के हिसाब से लगा देते हैं। सर इतना एयर बैग है ना और कोई चीज़ है, ज़िंदगी भर 2 फट्टे पीछे खड़े कर दिए, एक इधर को एक लटा के बैठो जी बैठो। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, एक्सीडेंट हो तो गाड़ी सारी बचती कुछ नहीं है उसमें। दूसरी गाड़ी अगर आपने, कौन सी गाड़ी रखी हुई है? दूसरी गाड़ी मैंने सिविक रखी हुई है, पुराना मॉडल है, 2008 मॉडल है। इस गाड़ी के बारे में कुछ बताइएगा कि सही है कंफर्टेबल? ये उस टाइम पे गाड़ियाँ पाकिस्तान में ठीक थी और शायद उस टाइम पे इतनी ज़्यादा लो क्वालिटी प्रोडक्ट, बल्कि मेरा ख्याल ये शायद वहीं से संभल होके आई हुई है, ये वहाँ से संभल होके आती थी या शायद मटेरियल वहाँ से आता था, इसलिए इसमें कोई इतने इश्यूज नहीं है, इसलिए फिर मैंने इसको चेंज भी नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अपने आवाम के लिए जो उनके जो पब्लिक है उनको ज़्यादा रायबिलिटी ज़िंदगी की वो सहूलियात होते हैं वो ज़्यादा प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्या वजूहत है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम अपना मुकाबला इंडिया से तो नहीं कर सकते, इसलिए कि मेरा ख्याल है कि वो हर शोबे में हमसे आगे निकल गए हैं, इसलिए हमें उनसे कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। मतलब आप एक डॉक्टर हैं,
अगर आपने जब डिग्री कितने की डिग्री कंप्लीट हुई आपकी, और क्या डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या पाकिस्तान में वो स्कोप है या बाहर की कंट्री में ज़्यादा स्कोप है? नहीं, बाहर की कंट्री में ज़्यादा स्कोप है, और हम सबको कोशिश भी करनी चाहिए बाहर, अच्छे फ्यूचर के लिए बाहर जाना भी चाहिए। आप गए नहीं? अभी चले जाएंगे। अच्छा, तो जो बाहर पाकिस्तानी जो छोड़ कर जा रहे हैं, तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा, 7 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जा रहे हैं।